अस्सलाम वालेकुम खबरदार में खुशामदद मैं हूं आपका होस्ट आफताब इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं डमी म्यूजियम से आए मियाँ शबाज़ शरीफ जिस दर्द से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है ये जान तो आनी जानी है इस जहां की तो कोई बात नहीं आहा वाह 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 साहब मियां साहब अदायगी खूबसूरत है आपकी कितना मुश्किल मिसरा लेकिन हाउ रिदमिक हाउ म्यूजिकल वाह 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 मियां साहब

हाँ जी वो तेरी टिंड है ही छोटी जी ठंड चुंगड़ गई है पर तीह रुपए वाला पिना हों और भाई सुनाओ तो बी एस ठीक है ना अब खरीद यार मुझे बात करने दो तुम क्या आइटम हो वेट ये हेलो हाय डॉक्टर अरूबा के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट कौन लाया मुझे बताइए <laughs> उनसे पूछिए जिनसे बात कर रहे हैं कौन जी कैसे जैसे आपने ढलाई का, का काम करते करते चीफ मिनिस्ट्री तक का सफर किया ढंग मैं, आप, आप की, की। साथ आप बात करें ये क्या स्पोक्समैन साथ फिरते हैं आप यकीन कीजिए जिस कर्ब से मैं गुजर रहा हूँ चार पांच आई जी तब्दील हो गए सीसीपीओ तब्दील हो गए आपकी कोस तब्दील हो गई इनका इनका ट्रांसफर नहीं हो रहा मियां साहब कहो जहाँ गल्ला कर ट्रांसफर नहीं अपनी तो जमानत ही करा लो पला जमानत क्यों नहीं हो रही आपकी तन नहीं।, नहीं पता नहीं मुझे नहीं पता हमजा की होगी आपकी नहीं, नहीं हो रही मुझे लगता है, कि जो है ये बात है यार जुराबे बड़ी शानदार ले आए शुक्रिया अंग्रेजिया अंग्रेज ने इसी लो लिया वो इन्होंने घोटता है इनकी कमर में प्रॉब्लम है बड़ा ठीक ठाक देखे किस्मत के खेल कैसे निराले कि जो बिल्कुल सेहतमंद तोनालूटली फिट उसके प्लेटलेट्स का मामला ऐसा क्रिएट किया गया और वो इंग्लैंड जाकर जवानियां मान रहे हैं जी। भाई साहब जो बाकायदा बीमार है और महज बीमार नहीं है इज अ कैंसर पेशेंट वो बेचारा हर तीसरे दिन कहता है कि मुझे भेजो बाहर वो कहते हैं बोर्ड बना देते हैं आपको यही रहना है कैसा जुल्म नहीं हो रहा वो जो कुछ हुआ था ना कौम के साथ जो जुल्म हुआ है, अदलिया का जो मजाक उड़ाया गया भाई साहब ने जो उड़ाया उसमें आप शामिल थे आपने बहुत लुडियां डाली थी उस दिन जिस दिन गए थे वो मैं आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के बारे में गौर वोज कर रहा था कि फ्यूचर क्या है हमजा की जमानत के बाद कारकुन जो है वो बड़े कंफ्यूजन का शिकार हैं कि हमने मफामत की तरफ जाना है या हमने लड़ाई की तरफ जाना हमजा कभी लड़ाई का दर्स नहीं देगा थोड़ा वैसे शहबाज साहब एक बात है जो कल से मुझे बॉर्डर कर रही है जी हुकुम, हुकुम। आप बहुत सेफ खेल रहे हैं। करना है कि मैं। <laughs> मेरी सुनो ही करने हैं। One, two, three. <laughs> <laughs> बोलो देता है दो चावे मुंगा दे तो कर दे अभी ब्रेक में आपको चाय मिलेगी भाईजान वन प्लस्तर भी मिलेगा तो फिर लवो ब्रेक लेंदे क्यों ले? <laughs> मियाँ साहब सीरियसली बताएं जी ये क्या, क्या मजाक और फजूल सवाल हो रहे हैं फजूल जवाब हो रहे हैं अब तुमने नहीं बोलना सही जरदारी ने जो बात की है उस बारे में आपका मौकफ क्या है आप तो आप सच्ची बात चाहते हो या फिर दुनियादारी नहीं नहीं सच्ची बात दुनियादारी क्यों तो फिर सच पूछो ना बाबू ने अच्छा नहीं किया क्या किया उन्होंने यार ए उम्र है कि नजरियाती होने दी ये बात तो बड़ी हैरान कुन है

नेक्स्ट नेक्स्ट बताते रुका ना, करें ना यार लग पे मेरी सबको आ रहा है, सब रहे कर रहे हैं। Finally, you are talking sense. पता नहीं establishment ने क्या करेंगते तो अब आप भी उसी पार्टी के इतने अहम लीडर हैं। मतलब नंबर टू पोजीशन है आपकी जी जी। लेकिन प्रो इंडियन स्टांस मियां साहब का देखा कभी आपने मैं तो खुद उनके साथ डिस्कस कर चुका हूं इन चीजों को पांच छः बातें मियाँ साहब ने इंडिया के वाले से बड़े क्लियर अल्फाज में मुझे जिससे पता चला कि उनके नजरियात का आई डोंट माइंड प्रो इंडियन ये कोई ऐसी बात नहीं कि इंडिया के साथ आप दोस्ती अहिंसा मोहब्बत प्यार की बात करें वॉट इज रॉन्ग विद इट लेकिन अपोलोजेटिक तो नाना ना हो इंडिया के सामने जी। जी। बिल्कुल एक किताब पढ़िए रिसेंटली आई है ये अब्दुल बासित साहब की जो हमारे हाई कमिश्नर थे इंडिया में वो कई हॉस्टेलिटी मियाँ साहब आप फारे गए हॉस्टेलिटी पढ़िए दिल ही खराब करना है पड़ के हाँ जी दिल खराब होगा आपका वो क्या कहते हैं सर वो कहते हैं कि ये तारिक फातमी सरताज अजीज ये बाईपास करते थे फॉरन ऑफिस को इंडिया में हमेशा इनका स्टांस अपोलोजेटिक था ये माफी हर वक्त उनसे जो है ना कि प्लीज पाकिस्तान को माफ कर दें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को माफ कर दें इन्होंने बड़ी गलतियां की जैसे एक नालायक बच्चे का वालिद हेडमिस्ट्रेस के पास जाके प्रिंसिपल के पास जाके कहता जी ये बड़ा ही गंदा बच्चा है आइंदा नहीं करेगा मैं हाथ जोड़ रहा हूं इसे स्कूल से ना निकालें तकरीबन ये था वो स्टांस जो मियां साहब का जरा हॉस्टेलिटी पढ़े तो सही इट्स अ वेरी मीनिंगफुल बुक जुलम नहीं है क्या जुलम आफ्ताब मेहनत कोई करे गालियां कोई खाए तनकीद कोई बर्दाश्त करे बीमारी कोई झले अपनी सेहत का बेड़ा कोई गरक करे लेकिन वोट फिर मिया साहब वाह अफसोस होता है, ना ये होता है ताला की वन डे अब मियाँ नवाज शरीफ पोलिटिकल विजडम से यकसर आ रही है इसमें कोई शक नहीं इंतहाई नफीस आदमी है इसमें भी कोई शक नहीं लेकिन सारी थड़े की सियासत इन्हें पता है क्योंकि की भी इन्होंने बिल्कुल पंजाब में अगर नवाज शरीफ का होल्ड था तो इनकी वजह से था एडमिनिस्ट्रेशन के स्किल्स इनके अंदर हैं लेकिन वोट सारे का सारा उनका है पहले दिन भी उनका था आज भी उनका है और अगर बाद में रहा जिसके तो ज्यादा इम्कान नहीं हैं लेकिन अगर रहता है तो नवाज शरीफ ही की वजह से रहेगा तो सर क्या वजह है वोट बैंक क्यों नहीं रहेगा वोट बैंक इसलिए नहीं रहेगा कि इतनी तशहर कर दी गई है या तो सिर्फ तशहर होती ना ये स्टेब्लिशमेंट ने और इमरान ने मिल के का करके हमें खाम खा बदनाम कर डाला एक होता है सबूत एक होता है सैकड़ों सबूत एक होता है अनगिनत सबूत अनगिनत डकेतियां अनगिनत रॉबरियाँ अनगिनत सबूत सारा कुछ मौजूद है इनका ही नहीं वो भाई साहब का भी है जो सिंध बैठे हुए बिल्कुल सर आजकल अगर वो इस्टेब्लिशमेंट की लाइन टो कर रहे हैं जरूरत से ज्यादा तो इसका ये मतलब नहीं कि दूध के धुले हैं लेकिन पहले इतनी बदनामी नहीं थी सर। पहले सिर्फ तशहर होती थी इल्जाम लगता था और ये एक ही बात करते थे भी प्रोवेट अब पहली दफा चले अगर एक केसेस हैं तो उनमें से दस भी प्रूव हो जाएं मैं एक छोटा सा कुलिया है तो खैर बेमहल लेकिन शायद आपको समझ आ जाए कि के 500 केसेस में आप मतलूब हैं 302 में तो चार सौ निन्यानवे प्रूव नहीं होते एक हो जाता है तो नतीजा तो वही है जो 500 के 500 प्रूव होने में होता है बिल्कुल बिल्कुल इस केस में एग्जैक्टली यही इक्वेशन कार फरमा है कि अनफॉर्चुनेटली मियाँ साहब आप आपके भाई साहब आपकी पार्टी के स्टालवर्ड्स पकड़े गए हैं अब भागने की गुंजाइश नहीं है चलो भाई यहाँ से मुझे लेके चलो नहीं नहीं मियाँ साहब आप ओ नहीं भाई तीन सौ दो केस की बात हो रही मियाँ साहब खैर तीन सौ दो की अगर बात करेंगे ना नहीं नहीं, नहीं तो लाहौर में ध्यान सारा सब्जाजार की तरफ जाएगा नहीं, 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 नहीं। कुछ नहीं हुआ था कुछ ये डॉक्टर रूपा किधर है कुछ नहीं हुआ बेटे आप आराम करें घर वाले आप बहुत आग जाएगी आप बहुत आगे छोड़े अच्छा जी इनके जाने के बाद मैं सब्जाजार केस यार कुछ

ये सब जो बात आप कर रहे थे ना वो मैं एग्री उससे इसलिए मैं उसको ये भूसत ज्यादा कहता हूँ कि ये जो प्रो इस्टैब्लिशमेंट लाइन होती है ना ये आमतौर पर थर्ड क्लास लाइन होती है एंड इट इज़ नॉट पॉपुलर इन पाकिस्तान भुट्टो आज भी भुट्टो है ना अगर तो सिर्फ इसलिए कि उसने इस्टैब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डालकर बात की थी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की आंख में आंख डालने के लिए आपको फाइनेंशियल करप्शन से कम अज कम पाक साफ होना चाहिए वाँ। वाँ। आपके अंदर शख्सी कमजोरियां, भले से जितनी भी हो भुट्टो के अंदर बेपना थी लेकिन यह नहीं हो सकता कि आपने अरबों डॉलर बनाए हो आप किसकी आंख में धूल झोंक रहे हैं? इस दौर में एक बात होती है छोटी सी और सत्तर बातें निकलकर मीडिया में आ जाती बिल्कुल आप वो काम करें जो आपको सु... आसिफ जरदारी ने आखिर क्यों यू टर्न लिया पी के कॉफिन में आखिरी नेल क्यों ठोंक उसको अपनी औकात का पता है कि मैं इससे ज्यादा पैंडा कर नहीं सकता मेरे क्लोजेट में स्कैलिटन इतने हैं जिन्हें छुपाने के लिए मुझे बहुत कुछ करना मियाँ साहब आपकी लाइन भी तकरीबन वही है जो जरदारी साहब की है मैं ठीक कह रहे हैं जो फी जमान मैं इसलिए कह रहा था ये बूसा ज्यादा मैंने इसलिए कहा था कि मैं इससे एग्री नहीं करता लेकिन आपके पास इसके अलावा चारा कोई नहीं आया तो फिर तुम मेरे साथ एग्री कर रहे हो ना मैं अगर आपकी पोजीशन में होता तो बाखुदा मैं भी यही लाइन टोक कर रहा होता और किस पोजीशन में होते तो ना करते मैं जिस पोजीशन में हूं अगर मेरे पास स्केलेटन ना होता छुपाने को तो मैं वाकई आंखों में आंखें डाल के और मेरे जैसे यहां पर हजारों नहीं लाखों हैं ऐसी कोई बात नहीं हम एम्बिशस ही नहीं है हम इतने मजे में इतने सुकून में ऐसे जा जाकर उन लोगों से तरले करके वोट मांगे जिनसे आप बात भी करना पसंद ना करें कोई तकबर की बात नहीं है आपकी नजरों के सामने वो क्राइम कर रहे हैं किसी ने दो नंबर पेट्रोल पंप खोला हुआ है वहां पे मिलावट करता है किसी ने रिक्रूटमेंट एजेंसी कोई कोई ठेके लेता और देता है इन सब की पुष्ट पनाही करनी पड़ती है रस्सागिरी करनी पड़ती है फिर जाकर इकतदार आपको मिल तो लख लानत ऐसे इक्तदार की लेकिन आपकी जो पोजीशन है मियाँ साहब <laughs> वो सेफ है क्योंकि आपने इस्टेब्लिशमेंट की उंगली बड़ा भाई समझ के ना पकड़ी हुई है आप और जरदारी मार नहीं खाएंगे आप पॉलिटिक्स में रहेंगे बाबू जी अगर नजरियाती रहेंगे तो सर नजरियाती होना बुरी बात तो नहीं है भाईजान नजरियाती होना बुरी बात नहीं लेकिन नजरियाती वो होता है जिसका दामन साफ हो चींटे ना हो दामन आपका तार तार है आपने जरदारी साहब को पिछले हफ्ते यहां बैठे सुना नहीं था जी जी उनकी डमी क्या फरमा रही थी कि छलांग अपने गोडे देख कर मारनी चाहिए गोडे आपके दो फुट की छलांग के हो और आप सोलह फुट की मार बैठे फिर मसायल होते हैं इसलिए ये कहते हैं ना कि नजरियाती होना तो पल्ले हो वो बेड़ा घर पार्टी का कर रहे हैं आप तो अच्छा है ऐसी पार्टियां जो इस तरह बनती हैं ये किसकी बनाई है तीन चार जर्नलों की बनाई हुई पार्टी है इसका अंजाम यही होना था पंजाब का साइज छोटा होगा आने वाले में भी दस साल की बात कर रहा हूं मैं इसमें तकरीबन बीस जिले रह जाएंगे जिसका मतलब ये हुआ कि अगर छत्तीस हैं तो ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट उनमें इनकी पार्टी फ्यूचर का बड़ा अहम रोल प्ले कर रही होगी अगर ये अपने पत्ते अच्छे अंदाज में खेलते हैं मियाँ साहब आप एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं फ्यूचर में अगर आप जेल में रहें या बाहर आए पार्टी को फाल करें तो इसको थोड़ा सा डिटॉक्सिकेट करें ओ कंज करिए ओ इंज करिए किम के, के साथ रहा बढ़ा दें बिल्कुल मफामत की बात करें इमरान के साथ भी मफामत करनी पड़े करें जरदारी के साथ चलना पड़े तो वो भी चलें स्टैब्लिशमेंट का दस्ते शफकत पहले ही आपके ऊपर है पैसा आपके पास इतना है कि अगले दो हजार साल आप सियासत कर सकते हैं आपका तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं ਪਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਦਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੂਈਸ ਵੀ ਲਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਬਾਬਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਰੋਟਸ ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਜੀ ਜੀ ਫੂਲ ਕੱਦ ਦਿਨਾਂ ਰਾਤ ਵੀ ਟੇਕ ਅ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇ ਵਿਦ ਅਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ जी खबर है कि जहनी तनाव कम करने के लिए रात को चीखने वाले यूनिवर्सिटी तलबा मंजरे आ गए को क्यों चीख रहे हैं सर सर ये 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 रात के बजे वाह चीखा करते हैं तो ये कहां का का है स्वीडन स्वीडन एक इलाका है अब साल वहां पर कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं और ठीक दस बजे रात खिड़कियां खोल के ऊंची ऊंची चीखना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर बाद हु का आलम तारी होता है क्यों पुरसकून होकर खामोश हो जाता ये उन्नीस सौ सत्तर से प्रैक्टिस चली आ रही है वहाँ पे तलबा का एक तबका जो इसे थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल करता है वाह इससे डिप्रेशन दूर होती है और रिसर्च बताती है जी कि चिल्लाने से चीख कर कहते ना कि कोई बहुत दुखी हो जी तो उसको रुलाते हैं उसको मारते हैं जो धाड़े मार के रोएगा तो फिर उसका डिप्रेशन लूज हो जाएगा जी 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 और जो अपने अंदर ही अगर रह गई तो वो फिर बिल्कुल सकता था वो बहुत था। बड़ा ड्रामा हो सकता है और इसकी अदाकारी की थी एक फिल्म में गॉड फादर थ्री में अल्पचीनों की बेटी को जब ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਲਪਚੀਨੋ ਨੇ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਮੇ ਕੋਈ ਹਸਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਪਚੀਨੋ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਸਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਗੋਡਫਾਦਰ ਨੇ ਐਸੇ ਕੀਤਾ ਅਲਪਚੀਨੋ ਨੇ ਜੋ ਫਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟ्रेस ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਸੀ ਕੇਕ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਇਸ ਫਲੈਂਗ ਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਆਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਜ ਚਰਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਦਿੰਨੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਬਨਵਾ ਲੋ ਆਪਣੀ ਫਾਰਕ ਵਕਤ ਮੇ ਮੰਗਿਆ ਕਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚੀਖਨੇ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਆਪਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਾ ਹੋਗਾ ਕਿ लाफ्टर थेरेपी नाम की कोई चीज होती जी है जी, जी, है। जी मैंने फर्स्ट टाइम ये मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखी थी सर जी जी वो भी इतना ही फनी था डॉक्टर स्थाना जितनी वो खातून हमारे शो में आई थी जी 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 जी, 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 जी <laughs> आपने बस जस्ट देना है माइंड को धोखा देना है करने करना मैं हंस रही हूँ अभी माइंड एटा भी सर वो जो चोर मचाते थे घर में उनके खिलाफ महल्ले वालों ने कंप्लेंट की नहीं नहीं उनके जी थेरेपी है अपनी थेरेपी करते हैं पाँच मिनट दस मिनट करके खमोच हो जाते हैं पावर नैप अच्छी है दस मिनट रिलैक्स पावर नैप की तो क्या ही बात है जी सर खासतौर पे अगर आप ड्राइव कर रहे हो और आपको महसूस मुझे कई दफ़ा महसूस हुआ है मैंने तस्करा भी कर रखा है कि ड्राइव करते हुए मोटरवे पे मुझे छूटा आया है दो तीन दफा देखें आपकी हैसियत क्या है इस पूरी कायनात में एक डॉट से भी मामूली उस वक्त अगर आपको ये जो ऊँग आती है इसको थोड़ा सा तूल दे देता वो वाँ। वाँ। आप भी गए और आपके साथ जो बैठे वो भी गए अगर मोटरवे पे मैं सो गया था तीस सेकंड्स के लिए तो फिर जागे क्यों <laughs> अगर <laughs> सो ही गए थे देखो ऊंग आना ये ये तो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड होता है तीस सेकंड के लिए सो जाना इंसान कोई नहीं कर सकता मोटरवे पे रंगीला साहब कर सकते हैं हाँ जी। वो जी। कहते नहीं कि मैं एक साइड पे और गाड़ी साइड वॉक के साथ रब करती हुई काफी देर तक गई आगे फिर साथ वाले ने हॉर्न बजाया जोर जोर से जगाया और क्या कर रहे हो और साथ वाला पैदल सी <laughs> सर डिप्रेशन को लूज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं ये मुक्के मारना दीवारों को पंचिंग बैग को उसके अलावा खामोश रहना भी डीप ब्रीदिंग बड़ी ही लाजवाब डीप आउट आपको बहुत कमाल की चीज है पानी का ग्लास पिए सब... आपका बीपी भी लो होगा गुस्से में कमी होगी और किसी वजह से डिप्रेस है तो उसमें कमी वाकई होगी फिर बहुत शानदार म्यूजिक सुने मुझे गुस्सा है नहीं ये तो मैं ऐसे ही लगाता हूँ हेडफोन लगा के नहीं वॉकमैन तो मैं दौड़ने लग जाता हूँ फिर सर कई बार इंडिया तो ले बॉर्डर क्रॉस फट गए कहते हैं कुकिंग करने से भी डिप्रेशन में कमी बाकी होती है अच्छा वैसे जब मुझे कभी गुस्सा आए ना तो मैं प्लेजेंट मोमेंट्स में चला जाता हूँ कोई पुरानी अच्छी यादें गुड वेरी गुड तो, अगर मौका मिले गुस्से में है दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल बाज़ लोगों का ना गुस्से में जैसे अपना जख्म छीलने को दिल चाह रहा होता है ना ऊपर से छीलते रहना ब्लड रिसना शुरू कर देता है लेकिन आपको बड़ा मजा आता है फिर आप टिश्यू पेपर उठाते हैं यूं करते हैं फिर देखते हैं ਇਤਨੀ ਡਿਟੇਲ ਸੇ ਆਪਨੇ ਕਹਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋ ਯੇ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਯਾਮੇ ਜਹਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਮੇ ਜਹਲੀਅਤ ਕੋ 200 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤੰਦਾਨ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਛਿੱਲਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੂਂਡ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਸਵੰਤ ਜੀ ਆਦਮੀ ਬਿੱਲੀ ਰੱਖੀ ਥੀ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਈ ਉਹ ਤੁਹਾਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇ ਬਿੱਲੀ ਸਾਥ ਲੀਏ ਫਿਰਤੇ ਹੈ अच्छा वो जो बिल्ली थी ना सर मानूस नहीं हुई मुझसे जब ये मिलने आता था तो इसकी गोद में बैठ जाती जा तो तो कुछ जम्भावे बिल्ली थी सर मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आया करता था मेरे घर वाले डरते थे मुझसे तो फिर मैंने ये शुरू किया कि मैं घर से निकल जाता था बाहर बाहर जाके जब मैं वापस आता था आधे घंटे या घंटे बाद दोस्त से मिल रही ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕਾਫੀ ਨੀਚੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਹੋ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੱਟ ਮਾਰ ਮੱਝਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਖਾ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਕੈਂਡਾ ਪੰਨਾ ਵਾਲੇ ਕੋ ਝਾੜਾਂ ਖਾ ਆਹ ਜੀ ਤਬਾਈ ਮਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਾ ਰਹਿਣਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਡਾਲਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਬੇਟਾ ਕੀ ਆ

सच पूछिए तो इसकी हमें भी खबर नहीं क्यों जी जरा मेरा ध्यान पर तो फौरी छोटा भरा भी पा लिया बूझ का शेर भी पा लिया वो फिर चैनल वाले सही रोंदे सन भी सारा टबर तो इकट्ठा कर लिया अच्छा सर ये मियाँ जो हजरत हैं ये छोटी छोटी बात पे जो है गुस्सा करते हैं

आखिया <laughs> तो हम लेते हैं ब्रेक हमारे साथ वेलकम बैक वती तो रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया पहले रिवीजन है बिल्कुल सर आपका टेस्ट बिल्कुल जी। दरोग बर गर्दन रावी सर दरोग बर गर्दन रावी के जिसने पहले बताया उसकी गर्दन पे सर दरोग क्या द्रोह का मतलब झूठ बोलना झूठ बोलना अगर किसी ने झूठ बोला, है तो उसका बार उसकी गर्दन पर जो इसका रावी है जिससे ये रिवायत है मैंने सही बताया सर, सर मैंने बताया तो यार उसको पता था द्रोह का तुम्हें तो पता ही नहीं था सर मैं बताने लगा अगर से बोल दो बताने ऐसे ही लगे थे अच्छा जी अफवाह खुश खबरी हाँ। अफवाह फैल गई खबर जो इधर उधर फैल जाती है वायरल हो जाती वायरल हाँ जी इसका मम्बा है फू फू का मतलब मुंह और इसकी जमा है अफवाह यानी एक बात और कई मुंह कई मुंह और मसूर की दाल <laughs> बब्बू, हाँ जी तेरा दुर फिटे सर फू।, <laughs> <laughs> <दुर फिते> फू।, <laughs> 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 फू किस जुबान का लफ्ज है फू दिस इज अरेबिक गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर थे राणा बहाउला साहब। जी जी वो कहने लगे एक दिन ऐसे मेरे जेहन में आया मैंने अफवाह फैला दी कि जो अजायब घर के सामने तोप रखी हुई जमजमा वो चोरी हो गई है इतनी बात करके कहते हैं कि मैं घर आ गया हूँ एक घंटे बाद मुझे मेरा मोहल्ले वाला आके मुझे बता रहा है कि तो राणा साहब सुने जो तोप चोरी हो गई मैं उन्हें जवाब देता दिता ए मतलब अफवाह फैल गई है यानी ये क्या <laughs> नहीं, कि जा किधर मैं बारो ड्रम लैंड बल्कि मैं मजैल अच्छा जी साहब आपने अपना फू देखा अच्छा जना दोहराई थी दोहराई ची एसेंट फौत हो गई दिवालिया निकलना सर दिवालिया निकलना का मतलब तुम्हारा बॉन्ड निकला है बेड़ा घर को ना सर दिवालिया क्या है दिवाला निकलना सर दिवालिया नहीं है ये दिवाला है दीवाला निकलना ये दुरुस्त है एटीमोलॉजी पूछ रहा हूँ तो लफज नहीं ये दरअसल था दीप बाला दीप, दीप बाला में दीप बाला दीप दीप दिया।, दीप दिया दीप दिया दीप, 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 दीप बाला दीप से फिर होगा दीवा बाला जी बाला। जलाना बाला मतलब दीप बाला दीवा बाला दिया बाला और दीवा बाला से ये हो गया दीवाला उसका तो दीवाला निकल चुका है अब दिलचस्प बात ये नहीं है कि ये दीप बाला था या दीवा बाला था ये क्यों था जी जो बैंक्रप्टसी डिक्लेयर करता था ना बदनसीब जी वो सुबह सुबह आके अपनी छोटी मोटी दुकान हड्डी खोलता कारोबार खोलता तो बाहर एक दिया जला देता था तो कहते सुबह दस ग्यारह बजे इसने दिया जला दिया ये एक अनाउंसमेंट है ये रहम की अपील है कि भाई मेरे पल्ले कख नहीं है इसलिए वो तमाम लोग जिन्होंने मुझसे कुछ लेना देना है वो मेहरबानी करें दिया जलता देख लें मेरे पास नहीं है तो इसको फिर कहते हैं कि ये तो बेचारा इसका तो दीप वाला हो गया इसका तो दीवा बल चुका है सेम क्या तबो रखते हैं अच्छा जी बैंकसी बैंकसी की एटेमोलॉजी क्या है वेरी इंटरेस्टिंग बैंक वट इज अ बैंक किनारा? किनारा सर वो तो रिवर बैंक होता है भाई बैंक एक बेंच को कहते हैं बेंच लैटिन में बेंच को बैंक कहते हैं लकड़ी का कोई बेंच कोई मेज जिसे बंदा रख के अपना कारोबार शुरू कर दे उसके ऊपर कुछ उस सामान लगा ले कि जनाब मैं चीज़ बेच रहा हूँ मैं ये सर्विसेज़ फ़राम कर रहा हूँ कचहरी में नहीं आपने देखा बहुत सोने मेजें लगाई होती है वसीका नवीस दरखास्त नवीस रखे स्टैम्प पेपर्स रखे होते नहीं। हैं नहीं। तो वो बेंच होता है बेंच उसको बैंक कहते हैं बैंक करप्ट करप्ट और करप्ट सी का मतलब है टूट जाना वाह वाह भाई मेरा तो बेंच ही टूट गया मेरा तो फटा ही टूट गया वो कहते हैं फटे चक दो उसका फटा ही चका गया दैट इज वाई ही हैज फाइल्ड बैंक्रप्ट से सर मैं जिम्मे कॉस्मेटिक्स का काम किया मैं टेबल पर वेचता सी यही करते है हैं क्रीम रखिया जनाब आपके कभी बेंच करप्सी हुई है मेरी रोज हुई होंगी सी मेरा वाला भरा चोर सी। सर आज का शेर यार शेर एंड पे होता है सर कुछ अरसे से हम दरमियान में करते हैं शेर है जी आज यास्मीन सहर कहती हैं जिस तरफ से कभी आया था महकता झोंका जिस तरफ से कभी आया था महकता झोंका आज भी खिड़की उसी रुख पे खुली रहती है खमियाजा भुगतना ये हम पहले कर चुके हैं किसी नुकसान की तलाफी करना किसी नुकसान की सजा पाना उसके नतायज भुगतना भुगतना खमियाजा खम और याजा वट इज हम खम होता है? टन लेना टेड़ापन चीज में सुराई में खम नहीं आता जी खम। जी। ना वो गजनवी में तड़प रही ना वो खम है जुल्फ है याज में वा। वा। खम नहीं होता ज़ुल्फ़ का बल, बल, वो आप यूं जोर से जैसे यूं करके अंगड़ाई लेते हैं ना जी तो वो है खम यानी टर्न करके आपने उसको हरकत दी और उसी नतीजे में अगर आपका मसल पुल हो गया कुड़ल हाँ, पड़ गया कोई <laughs> पड़ गया यानी अंगड़ाई मतलब... के चक्कर में बल पड़ गया और अब उसको भुगतो इसको भुगतो <laughs> सॉरी अंगड़ाई नहीं ये अंग अकड़ाई है ये अंग अकड़ाई है अंग अकड़ाई देख लें नालायक को भी पता है दैट मींस कि मेरी मेमोरी ठीक है हमने पहले किया हुआ है अरे कैफी क्या कहने कितने बहे के पढ़ रहे हैं कल्ला ही आपका ना दिमाग थोड़ा तेज होना चाहिए इसको तेरा दिमाग तेज नहीं हो कंधे मैं कीता है पहले

ना वो हुस्न में रही शोखियां ना वो ग़ज़नवी में तड़प रही ना वो खम है जुल्फ अच्छा जी सिफारिश सर किसी नौकरी तो करना बुलेट <laughs> <laughs> ये, ये है सिफारिश। ये सपारदन से है वो क्या है सर सपुर्द किसी के हवाले करना सिफारिश आपके हवाले किया आपके किया, अब आप जाने और ये जाने इसको हाँ, जॉब दो भाई तेन पता ना तू कि बैठा <laughs> याद ना कराची घर ही? भूलना नहीं तेरी मेहरबानी इतों बाहर तो निकल के खबे जाना पहले अगो सजे अगे पेंड आ जाएगा उतखा वर्डिया फिर दी सर एडी धौन तो तुमने <laughs> देखे फार्म हाउस के

ਨਹੀਂ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਗਾੜੀ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ ਗਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਗਈ ਆ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਤਖਾਂ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਬੇਟੇ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਮੱਝ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਮੱਝਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯਾਰ ਇੰਡੀਆ ਗੰਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਗੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮੱਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕੀਚੜ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਹਤੀ ਐ ਓ ਠੀਸੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨ ਮਾਰੀ ਜੋ ਦੇਖੇਗੀ ਐ ਕਰਕੇ जाए सीधे जान दे ऐसे वो खुल हो जाएंगे कदी तो नजरात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इनशाला नेक्स्ट वीक इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ ना